नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। क्या है कि कल से नया वर्ष शुरू होने वाला है और आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने इस साल यानी कि साल का जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो लिया है। किसी का रेजोल्यूशन कुछ होता है, किसी का रेजोल्यूशन कुछ होता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अपना जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है उसको कंप्लीट कर पाते हैं या फिर कह सकते हैं कि उस गोल को अचीव कर पाते हैं जो उन्होंने लिया है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है उसका रीजन जिसके कारण उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो है, जो वो सोचते हैं, जो वो प्रतिज्ञा करते हैं अपने आप से, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या सही तरीका है न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने का, मतलब कोई भी रेजोल्यूशन अगर आप लेते हो तो उसके क्या पॉइंट्स होना चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए जिसके कारण आपका रेजोल्यूशन जो है वो सही से फुलफिल हो पाए, आप उसको कंप्लीट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे जो तीन वजह होती है जिसके कारण से आपका रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाता या आप जो प्रतिज्ञा करते हो, आप जो सोचते हो वो पूरा नहीं कर पाते, उसका क्या रीजन है, उसके तीन रीजन है। पहला रीजन ये है कि आप वो करना चाहते हो जो लोगों ने आपको करने के लिए कहा है, या लोग जो आपके अंदर बदलाव चाहते हैं वो आप करने बैठ जाते हो। आपके दोस्तों ने कहा कि यार इस साल तू ऐसा कर, या आपके घर वाले ने कुछ कहा कि इस साल तुम्हें ये करना चाहिए, तो आप कोई दूसरा कहे या समाज के कुछ लोग कहे, उस कारण से अगर जो रिजोल्यूशन लेते हो, पहला रीजन ये है, इस वजह से फेल होता है। दूसरा कारण यह कि वो रिजोल्यूशन आपको स्पष्ट ही नहीं है कि आप क्यों उस रिजोल्यूशन को लिया है, आपने क्यों उस प्रतिज्ञा को ली है जो आप करना चाहते हो, आपको उसका मतलब ही नहीं मालूम है और आपने ले लिया है कुछ तो भी, क्योंकि सब ले रहे हैं तो मैंने भी ले लिया, ठीक है, ये दूसरा रीजन हुआ। तीसरा ये कि आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो रिजोल्यूशन लिया है उसको फुलफिल करने का या उसको कंप्लीट करने का सही आपको रोडमैप ही नहीं मालूम, उसका प्लान ही नहीं मालूम कि आपने उसको किस तरह से पूरा करना है। तो ये तीन रीजन है किसी भी रेजोल्यूशन के, किसी भी संकल्प के पूरा न होने का। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरह से पूरा किया जाए। ये पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि रेजोल्यूशन किस तरह से लेना चाहिए, उसकी क्या क्या जरूरी चीज बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका रेजोल्यूशन जो है, आपका संकल्प जो है वो पूरा हो सके। और अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो मुझे विश्वास है कि आप अपना जो रेजोल्यूशन है, आपका जो गोल है वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, रेजोल्यूशन शुड बी स्पेसिफिक, यानी कि आपका जो रेजोल्यूशन है, जो आपने रेजोल्यूशन लिया है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, वो पर्टिकुलर होना चाहिए, खास आपके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ये वाला काम कर रहे हैं तो मैं भी वही वाला काम करूं, ऐसा नहीं। तो वो क्या है कि सबसे पहली बात क्या है कि स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आपने सोचा कि अब मैं लेट नाइट नहीं सोऊंगा, मतलब देर तक नहीं जगूंगा, ये आपने सोच लिया, ये आपने रेजोल्यूशन ले लिया। तो आपने दूसरे दिन से क्या करा कि अब तो मुझे 10 बजे सोना है, तो घर वाले से बोल दिया कि भैया तुम लाइट बंद करो, टीवी मत चलाओ, यानी आपने अपने रेजोल्यूशन के चक्कर में दूसरों को परेशान कर दिया। तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो आप तक ही सीमित होना चाहिए, आपकी रेजोल्यूशन की वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये सिर्फ आपके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि रेजोल्यूशन शुड बी मेजरेबल, यानी कि आपका जो रेजोल्यूशन है, आपने जो संकल्प लिया है उसको आप मेजर कर सको। मेजरेबल मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आपको टेप लेके के नापना है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। मेजरेबल का मतलब ये कि आप समय समय पर उसको, उसका रिकॉर्ड रख सको, उसमें कम ज्यादा क्या हो रहा है उसकी जानकारी रख सको। सपोज करिए कि मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है इस साल कि मैं अपनी राइटिंग को सुधारूंगा, ऐसा अपन मान लेते हैं कि मैंने एक ऐसा रेजोल्यूशन लिया है कि मैं अपनी राइटिंग सुधारूंगा। तो मुझे क्या करना है कि आज मेरी जो राइटिंग है उसकी मैं एक क्लिक कर लूंगा, एक फोटो ले लूंगा, देखूंगा कि इस समय मेरी राइटिंग ऐसी है। आफ्टर वन मंथ में देखता हूं कि मेरी राइटिंग में कितना सुधार हुआ, यानी मैं उस राइटिंग पे उस पर मैं वर्क करूंगा, वर्क करके मुझे एक महीने बाद देखूंगा कि मैंने कितना सुधार लेके आया। ये मैंने फर्स्ट मंथ देखा, फिर आगे फिर मैंने कोशिश की, फिर मैंने राइटिंग को सुधारने की कोशिश की, फिर मैंने नेक्स्ट मंथ जाके फिर एक फोटो लेके देखी, और पहली फोटो और लास्ट फोटो को मैंने मिला के देखी कि मैंने कितना चेंज लेके आया हूं, अपनी राइटिंग में कितना सुधार कर पाया हूं। तो इस प्रकार से जो भी आप रेजोल्यूशन लेते हो वो एक मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप टाइम टू टाइम उस पर देख सको कि उसमें क्या परिवर्तन आया है, आपने जो मेहनत की है वो रंग लाई है या नहीं लाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेजोल्यूशन शुड बी अचीवेबल। अब आप सोचोगे कि यार ऐसा छोटा सा रेजोल्यूशन क्यों लेना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा लीजिए जिसको आप अचीव कर पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो आपको निराशा हो जाएगी।
अगर आप बड़ा लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाओगे तो आपको क्या होगी, निराशा होगी, फिर छोटे वाले भी आप नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा कि आप ऐसा एक गोल सेट कीजिए, ऐसा संकल्प लीजिए जिसको आप समय पे कर पाएं और आपको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम एक बड़ा रेजोल्यूशन ले लेते हैं, उसके चक्कर में हम बाकी सारी चीजों को दूर रख के वही उसी काम में लग जाते हैं। तो ये कुल मिला के जो आपका रेजोल्यूशन वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, आपकी लाइफ के ऊपर हावी हो जाता है और आप दूसरा काम नहीं कर पाते, अपने घर को भी डिस्टर्ब कर लेते हो, अपनी जो सोशल लाइफ है वो भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ऐसा रेजोल्यूशन लेना चाहिए जिसको आप अचीव कर पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, रेजोल्यूशन शुड बी रिलेवेंट। क्या होता है, कई बार लोग ऐसे रेजोल्यूशन ले लेते हैं जिसका आपकी लाइफ से कोई लेन देन नहीं है, फिर भी आपने उसको ले डाला। ऐसा नहीं, ऐसा रेजोल्यूशन होना चाहिए जो आपके लिए कुछ मायने रखता हो, आपकी लाइफ में वो काम आता हो, ऐसा रेजोल्यूशन आपको लेना है। सपोज करिए मैंने एक रेजोल्यूशन ले लिया कि आज के बाद में बस में सफर नहीं करूंगा, वैसे में बस में सफर नहीं करता हूं, तो और मैंने ये रेजोल्यूशन ले तो किस काम का, वो कोई ज्यादा आपको बहुत बड़ा रोल प्ले तो करेगा नहीं आपकी लाइफ में। तो ऐसा रेजोल्यूशन लेना है जो आपकी लाइफ में रोल प्ले करे, यानी कि वो आपकी लाइफ से रिलेवेंट हो, तभी ऐसा ही रेजोल्यूशन आपको लेना चाहिए, अदरवाइज रेजोल्यूशन का कोई सेंस नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है, रेजोल्यूशन शुड बी टाइम आउट। इसका बहुत ध्यान देना है। क्या होता है कि हमने एक प्लान बनाया, हमने एक संकल्प लिया, हमने एक रेजोल्यूशन लिया कि इस साल में मुझे ये करना है, जो भी आपने रेजोल्यूशन लिया हो तो उस साल में ही आपको वो कंप्लीट करना है, या फिर उस जो आपने अगर मान लो कि बड़ा रेजोल्यूशन लिया तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कि मुझे फर्स्ट टू मंथ में इतना करना है, सेकंड टू मंथ में इतना करना है। तो आप इस तरह से टाइम लिमिट बना लीजिए कि मुझे इस टाइम में इतना वर्क करना है, क्योंकि अगर रेजोल्यूशन जो आपने लिया है उसमें अगर टाइम का ध्यान नहीं रखा तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ले लिया कि मैं राइटिंग सुधारूंगा, ऐसा प्रकार का रेजोल्यूशन ले लिया, लेकिन साल भर में नहीं पता, 10 साल हो गए राइटिंग नहीं सुधर रही है, तो उसका उस रेजोल्यूशन लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके रेजोल्यूशन में टाइम का ध्यान रखना है, टाइम के अंदर ही उस रेजोल्यूशन जो आपने लिया है उसको कंप्लीट करना है। तो अभी मैंने आपको 5 तरीके बताए जिसके थ्रू अगर इस मेथड से आप अपना रेजोल्यूशन लेंगे तो आप अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि हम तभी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं जब इन चीजों का हम ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से हम 2-4 महीने या 1-2 महीने तो उस रेजोल्यूशन पे चलते हैं, इसके बाद हमारा रेजोल्यूशन चला जाता है पानी में और हम उसको आगे पूरा नहीं कर पाते। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको मुझे बताना है कि आपने क्या रेजोल्यूशन इस साल लिया है, ये मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा।